जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में एक स्विफ्ट डिजायर कार ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में रांझी थाना प्रभारी सहदेव राम साहू ने बताया कि रांझी में शराब दुकान के पास कुछ लोग पैदल जा रहे थे, तभी शराब दुकान के पास स्विफ्ट डिजायर कार के चालक मनोहर लाल कुशवाहा ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उन्हें वाहन से टक्कर मार दी। घटना में करीब 6 लोगों को चोट आई है। वहीं घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी कार चालक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मनोहर लाल कुशवाहा मूलतः रीवा का रहने वाला है और कुछ साल से वह रांझी में किराए के मकान में रह रहा है। आज सुबह करीब 9:30 बजे सूचना मिली थी कि एक कार स्विफ्ट कार है, वो उसमें कोई नया लड़का चला रहा था, उसमें 2-3 लड़के चपेट में आ गए हैं, उनको साधारण चोटें आई है और वो लोग जे हॉस्पिटल में अभी 2 लोग घायल हैं, हमारे सामने में 2 लोग घायल लोगों की सूचना आई है और दोनों स्वस्थ हैं। कार अभी तत्काल पता नहीं चल पाया है, लेकिन कार को जब्त कर लिए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिए हैं हमारे पास में। उसका नाम है मनोहर लाल कुशवाहा है, यही लोकल का ही है, गाड़ी लोकल की है, मनोहर लाल कुशवाहा नाम है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया।